कभी मौत के बारे में सोचा? तो लोगों को मेरी हरामी साइड भी पता है थोड़ी सी, और मैं हूँ थोड़ा सा हरामी, आई नो. कभी कभी ऐसा पता चल जाता है कि यार अगर मैंने ये कह दिया ना तो दिस विल मेक इट फॉर मीम कल्चर, तो मैं कुछ कुछ चीजें ऐसे कह देता. बहुत तगड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई अबाउट यू एंड पॉलिटिकल पॉडकास्ट. हाँ, उनकी मम्मी ने कहा कि शी वॉन्ट अलाउ द डॉटर टू डेट अ यूट्यूबर. और उस दौरान मेरा ब्रेकअप भी हो गया. मैं मतलब वो राखी सावंत वाला रूट नहीं लूंगा. हाउ रिच इज रणवीर अलाहाबादिया? मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं कहा आप मुंबई आ सकते हैं. तो मैं अपने पैसे से टिकट बुक करा के मुंबई आ गया, क्योंकि मुंबई आना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज हम देना चाहते हैं रणवीर अलाहाबादिया को टाइम आउट फ्रॉम हिज बिजी लाइफ. और ये टाइम आउट देने में मेरी हेल्प कौन करेगा? वन एंड ओनली अर्बन कंपनी. हेलो, हाउ आर यू भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, हाउ आर यू? गुड गुड गुड, वेलकम होम ब्रो. हमने प्रॉमिस किया था दैट वी विल गिव यू अ टाइम आउट. आज मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ. We'll take you out to your simpler times, ठीक है? Yes. Meanwhile, आपको Urban Company की पूरी टीम को ये बताना पड़ेगा कि किस किस चीज में आपकी हेल्प कर सकते हैं. So that you finally get that time. Best place to begin are these sofas. This is my jaan. क्योंकि हर पॉडकास्ट के पहले मैं गेस्ट के साथ बिल्कुल यही बैठता हूँ. सो आई ऑलवेज लाइक कीपिंग अ नाइस क्लीन सोफा एंड अ क्लीन एनवायरनमेंट. इट्स अ बिग कोर ऑफ व्हाट आई डू. पता है यहाँ पे आती ऐसी फील आ रही है जैसे ये आपका भी घर है. That's the intention. That's the reason आपके पॉडकास्ट में जब भी कोई आता है, they feel so much at ease. कि आते ही सीधा बात करना शुरू कर देता है. यहाँ आ जाओ, आराम से बैठो, खाओ पियो, and then एक सुपर हिट पॉडकास्ट मेरे साथ बनाओ. This is the space जहाँ पे वो सारी interesting conversations actually होती हैं. Yes भाई. On an on day बहुत ज़्यादा organized होता है. Equipment होती है. So this is not how it is normally. Do you like driving? Not in the day. At night, sure. So, रणवीर, सबसे पहले टाइम आउट पे बहुत बहुत स्वागत है. कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है एक फेलो जून फर्स्ट बर्थडे के साथ बैठकर. हम लोगों ने एक्चुअली अभी अभी ये रियलाइज किया हम दोनों का बर्थडे सेम डेट को आता है. मैं हमेशा से ये मानता हूँ जो इंसान फर्स्ट जून को पैदा होता है वो सबसे बेस्ट होता है. डू यू ऑल्सो फील दैट? ऑफ कोर्स, आई थिंक हम स्पेशल होते हैं. आई थिंक दिनेश कार्तिक भी जून फर्स्ट है. ओके, मुझे लग रहा है कि आप दिनेश कार्तिक ये तो सब सक्सेसफुल हो गए. मेरा नंबर कब आएगा अब उसका इंतजार है मुझे. नहीं नहीं, as I was telling you, आपकी बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर एनर्जी है. ओके, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द काइंड ऑफ कंटेंट यू क्रिएट. जितने भी लोगों से मेरी ये बात हुई ना कि मैं रणवीर से मिलने जा रहा हूँ, रणवीर से बात करेंगे, सबने ये बोला यार ये जरूर पूछा कभी मौत के बारे में सोचा है? मुझे लगा आप यति के बारे में पूछने वाले हो, पर हाँ ये उससे भी जरूरी है. ये जो मौत वाला सवाल है, इससे दो चीजें होती है एक पॉडकास्ट में. पहली चीज ये होती है कि लोग एकदम खुल जाते हैं, बिकॉज ये बहुत कोर इनडेप्थ टॉपिक है. अगर इसके बारे में बात कर ली, आप बाकी टॉपिक्स के बारे में बात कर लोगे. एंड आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट समवन्स कैरेक्टर. इसलिए आई थिंक बस इंडियन कल्चर में कहते हैं कि यू नो यू शुडंट टॉक अबाउट डेथ, मौत, ये वो. पर आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट. सो शुरुआत एक्चुअली सही में इस सवाल के जवाब के साथ कर लेते हैं. आप सोचते हो कभी अबाउट डेथ? बहुत ज्यादा सोचता हूँ. आई थिंक कि अगर आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप अध्यात्म में घुस चुके हो, आप कॉन्स्टेंटली इस टॉपिक के बारे में सोचते हो. इट्स एक्चुअली द कोर ऑफ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल थॉट. तो मैं खुद बहुत ज्यादा मौत के बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि बस्सी क्या सोचते हैं मौत के बारे में, युवराज सिंह क्या सोचते हैं मौत के बारे में. और मुझे मीम कल्चर भी अच्छा लगता है. आई एनकरेज मीम कल्चर. कभी कभी ऐसा पता चल जाता है कि यार अगर मैंने ये कह दिया ना तो दिस विल मेक इट फॉर मीम कल्चर, तो मैं कुछ कुछ चीजें ऐसे कह देता. ऑलरेडी आपने मुद्दा छेड़ दिया, तो आई वुड लाइक टू आस्क, इतने सारे मीम्स बनते हैं आपकी कॉन्वर्सेशन से निकालकर, एज अ पर्सन आप पे भी मीम्स बनते हैं. कभी ऐसा नहीं लगता कि व्हाई फोकस ऑन द कॉन्वर्सेशंस, नॉट ऑन दीज स्मॉलर थिंग्स? ऑनेस्टली जब
मैंने खुद की कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी थी 2015 में. उससे पहले मैं कॉलेज मीम पेज चलाता था. मेरे कॉलेज पर लोकली हम बहुत सारे मीम्स बनाते थे. तो आई अंडरस्टैंड मीम कल्चर वेरी इंटेंसली. आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज कि यू आर अ पार्ट ऑफ मीम कल्चर. तो नो कंप्लेंट्स, आई डोंट माइंड बीइंग अ पार्ट ऑफ मीम कल्चर इन एनी वे. स्पेशली 2023 में यू ओनली नो इफ यू हैव मेड इट इफ यू आर अ पार्ट ऑफ मीम कल्चर. सो आई लुक एट दैट. दैट्स अ ग्रेट वे टू लुक एट इट. पता है हमें बात करने में इतना मजा आ रहा है कि मैं स्ट्रेट अवे गहरे टॉपिक्स और बातों पे घुस गया हूं. हमने सबको ये तो बताया नहीं कि आज हम कहां कहां जाने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं. मैं बताऊं? हाँ, प्लीज. ओके, तो आई थिंक फर्स्ट हम जा रहे हैं मद्रास कैफे, जो आई थिंक दीपिका पादुकोण का भी फेवरेट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है. वाओ. इफ आई एम फीलिंग लो, वन ऑफ द थिंग्स आई डू इज आई एक्चुअली गो देयर, आई गो मीट माय मदर, और उसके बाद मैं कैफे मद्रास जाता हूँ. ओके, सो इट्स अ वेरी इमोशनल प्लेस फॉर मी. मेरे साथ भी, क्योंकि ऐसा होता है, इफ आई एम फीलिंग लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, आई ऑर्डर सम गुड फूड, आई हैव इट, और उस टाइम के लिए वो थॉट्स दिमाग से चले जाते हैं. भाई, यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू गाइस का फूड स्टैंडर्ड इज हियर, लाइक दिल्ली फूड, मुझे नहीं बोलना पड़ा ये. There's no comparison between Mumbai food and Delhi food. I think Delhi food is like literally the best food in the world, not just in India. I literally travel to Delhi just to eat. I won't ever compare Cafe Madras to any place in Delhi, but this is one of those places in Mumbai which has emotional value for me. That's all I'll say. क्या आपको लगता है you are successful? I think हमेशा एक ये अंडर अचीविंग वाली फीलिंग रहती है. एट द सेम टाइम आई नो कि मैंने कुछ तो उखाड़ा है लाइफ में, बट हमेशा ऐसा लगता है कि जितना कर सकता था उससे कम किया. सो आई डोंट नो अभी ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है या क्या है, बट ये फीलिंग हमेशा रहेगी. पहले इसे मैं सेल्फ डाउट बुलाता था. आई डोंट थिंक अभी सेल्फ डाउट है इतना. मैं कॉन्फिडेंट हूँ खुद की एबिलिटीज को लेकर, पर हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, आप अंडर अचीव. इज दैट बिकॉज सक्सेस का हर कोई अपने दिमाग में एक माइलस्टोन बनाता है. हाँ. जैसे ही आप वो माइलस्टोन अचीव करते हो, आपका माइलस्टोन और आगे चला जाता है. हाँ. क्या उस वजह से ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जो अचीव करना था वो नहीं किया? आई थिंक इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग. जब आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि बस इतना ही था. और फिर और आप बड़े सपने देखने लगते हो. तो आई थिंक जब आपके सपने पास आने लगते ना, आपको पता चल जाता है कि अच्छा अभी ये होने वाला है. फिर जब हो जाता है, आप बड़े सपने देखने लगते हो. सो व्हेन यू क्रॉस अ गोल, आप ऑलरेडी नेक्स्ट गोल के बारे में सोच रहे हो. इन अ वे आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग. ये अच्छी चीज है किसी के करियर के लिए, सक्सेस के लिए. इन अ वे इट्स अ कर्स ऑल्सो, बट इट्स ओके. अगेन, ये मैं खुद के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ. शायद शादी के बाद मेरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा. Okay. क्योंकि अब मैं सिर्फ करियर के बारे में सोचता हूँ, ग्रोथ के बारे में सोचता हूँ. आई एम श्योर कि शादी, फैमिली लाइफ के बाद मेरा पर्सपेक्टिव बदलेगा. बट एट दिस फेज ऑफ लाइफ डेफिनेटली जिन लोगों से आप मिलते हो, जिन लोगों का सक्सेस आप करीबी से देखते हो, उनके माइंडसेट्स रब ऑफ हो जाते हैं. स्पेशली मुंबई में, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ हर कोई दौड़ रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द सिटीज जो आपको एक बहुत बड़ा करियर लॉन्च पैड दे देती है. अगर आप यहाँ रह रहे हो, यू विल नेवर फील सैटिस्फाइड. ये मैंने हर किसी के साथ देखा. इसलिए शायद मेरे लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा जहां मैं मुंबई छोड़ दूंगा. दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली फील एट सम पॉइंट, क्योंकि आई वॉन्ट माई करियर एम्बिशन टू स्टॉप एट सम पॉइंट. ओके. एंड ये डिसाइड कैसे करोगे कि नाउ इज दैट टाइम जब शायद आई शुड टेक अ स्टेप बैक एंड फील सैटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव. एक जमाने में मेरा गोल ये होता था कि मुझे बिलियनर बनना है, ये वो. पर बिलियनर से मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, खुशी और रिलेशनशिप शायद ज्यादा जरूरी होती है. तो शायद मुझे पर्सपेक्टिव मिला है शो के थ्रू कि डोंट ओनली चेज करियर. वो ये प्रॉपरली एक अलग सा गोल फॉर्म हो चुका है लाइफ में कि यू नो देर आर लव, लाइक कि यू शुड प्रायोरिटाइज लव समटाइम्स मोर देन करियर. सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट. आई नो कि जब मेरे खुद के बच्चे होंगे, आई वॉन्ट रेज देम इन दिस सिटी. क्योंकि जो मुझे मुंबई से सीखना था मैंने सीख लिया, अभी मैं उन्हें भी सिखाऊंगा. एंड आई वुड लाइक देम टू काइंड ऑफ लिव अ सिंपलर लाइफ. Okay. ये मेरी कॉलेज की एरिया है. अच्छा, यही है मेरा कॉलेज. डीजे सांग भी काम करते हैं ना. मद्रास कैफे पहुंचने से पहले एक बार कॉलेज भी देखते. ओके. आपको मैं शायद याद नहीं हूं, पर मुझे आप याद हो. याद है? कैसे? कॉलेज के टाइम पे भी इतने शरीफ हुआ करते थे या बहुत बदमाश होते थे? उस समय में थोड़ा
ये था बदमाश इज द वर्ड बदमाश नहीं था लेकिन थोड़ा सा कॉलेज काबर में जो शरारती होता था वो ये था उस समय. सो दिस इज वेयर कैरेक्टर बिल्डिंग हैपेंड. पता है मुझे बहुत गुस्सा आता था कॉलेज को लेकर जब मैं कॉलेज में था. पर लिटरली कॉलेज खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील होता है कि यार यहीं से कैरेक्टर बना. एकदम टफ हो चुका हूँ लाइफ के लिए. एंड लिटरली आई डोंट थिंक आई हैव डन एवरीथिंग राइट बट मैंने एक चीज सही करी है कि आई हैव जस्ट स्टक अराउंड. मैंने सर्वाइव किया यूट्यूब पर. वो सर्वाइवल मैंने यहाँ से सीखा. अब पता चलता है कि यार बहुत सिंपल टाइम था. तभी लगता था कि मेरे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं पर प्रॉब्लम्स इतने बड़े नहीं थे. कॉलेज के बाद जो भी हुआ लाइफ में करियर में उसके लिए जो टूल्स चाहिए थे मैं यहाँ एक्चुअली सीख रहा था. सो आई एम ओवरऑल वेरी ग्रेटफुल. इस टाइम पे जब आप कॉलेज में थे तब आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या था? जब मैं यूट्यूब की शुरुआत कर रहा था मेरा अल्टीमेट करियर गोल ये था कि मुझे मुंबई में 3 जिम खोलने थे बस. ये मेरा गोल था. तो जो हमने कार में बात करी कि सक्सेस की डेफिनेशन बदलती है वो बहुत बदली करियर के स्टार्ट होने के बाद. पर मेरा गोल यही था कि मुझे जिम खोलने. एंड टुडे आज इस वक्त आपके लिए सक्सेस क्या है दैट आई विल फील सैटिस्फाइड और मैं मुंबई से जा सकता हूँ इफ दिस हैपेंस? कि अगर 300 ऑर्फनेजेस ओल्ड एज होम्स ये सब खुले आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल फील सक्सेस इज. ऑनेस्टली ये पीआर ट्रेंड स्ट्रैटेजी नहीं है. सच में वही गोल है. बट जो टूल्स चाहिए वो यहाँ से सीखे. जो फ्रेंड्स थे कॉलेज के डेज में क्या वो फ्रेंड्स अभी तक साथ हैं? हाँ जो मेरा क्लोज ग्रुप था मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की डिपार्टमेंट में था तो मेरे क्लास में जो लास्ट बेंचर्स मेरे साथ बैठते थे उनके साथ अभी भी इन टच हूँ. एंड दे ऑलवेज ट्रीट यू द सेम. मतलब दुनिया आपको अलग से ट्रीट करेगी बट जो आपके ब्रोज हैं वो हमेशा आपको सेम ही ट्रीट करेंगे. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट thing in life to have bros. It keeps you grounded also, no? For sure. Aur I feel ki media ek bahut nashili jagah hai media. Okay. It can really get to your head. So aapke bros ki zarurat hoti hai media mein. Keep your bros close. Itni busy life hone ke baad how do you find time for these friends? Main football khel leta hu abhi bhi. To dono fitness aur dosti barkarar. Smart work. Always. अभी दिल्ली विजिट करते हो? मैं हर महीने दिल्ली में हूँ. आजकल पॉलिटिकल पॉडकास्ट कर रहा हूँ. यस अबाउट दैट बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई अबाउट यू एंड पॉलिटिकल पॉडकास्ट. हाँ आई थिंक पॉलिटिकल दुनिया हमेशा कंट्रोवर्सीज चाहती है. ओके हमेशा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस एएपी वाली वाइब होती है उनकी दुनिया में. तो मैं बस बीच में फंस गया. इवेंचुअली हमने कांग्रेस एमपीज के साथ भी पॉडकास्ट किए एएपी के पॉलिटिशियंस के साथ भी पॉडकास्ट किए पर वो रिपोर्ट नहीं हुए. सिर्फ जब बीजेपी के साथ करे तो वो वाले पॉडकास्ट रिपोर्ट हुए. सो आई थिंक मीडिया हमेशा आई वोंट से स्केपगोट्स बनाना चाहती है लोगों को पर हमेशा नई हेडलाइंस चाहती है. तो ये एक बहुत न्यू हेडलाइन मिल गई मीडिया को कि यूट्यूबर इज बैकिंग बीजेपी. तो आई थिंक खुद के मेंटल मैस्टरबेशन के लिए चाहती थी. इसलिए इतने सारे कंट्रोवर्सी बना दी मीडिया ने. पर आई डोंट लुक एट इट एज अ कंट्रोवर्शियल फेस. एंड ऑनेस्टली मुझे ये भी पता है कि एज अ पॉडकास्टर मैं हमेशा कंट्रोवर्सीज में घुसने ही वाला हूँ. तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब दैट आई एक्सेप्ट. एंड और भी कंट्रोवर्सीज होंगी पर मैं पॉडकास्ट बनाते जाऊंगा. सो ये जो वांट वाला स्टेज है ये काफी खतरनाक स्टेज होता है क्योंकि वांट वाली स्टेज के अंदर आप कंट्रोवर्सीज को आइडेंटिफाई करके भी उसमें घुस जाते हो. क्या आप ऐसा करने के लिए ओके हो? नहीं मैं मतलब वो राखी सावंत वाला रूट नहीं लूंगा. जहां मैं फोर्सफुली कंट्रोवर्सीज बनाऊंगा बट अगर मेरे पॉडकास्टिंग जर्नी के थ्रू कंट्रोवर्सीज में अगर मैं फंस गया आई ऑल्सो नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड हाउ टू नेविगेट. पता है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि दे कांट डील विद हेट ये वो. आई फील कि हेट ट्रोलिंग पब्लिक डाउट ये सब एक बहुत की पार्ट होती है कंटेंट क्रिएटर के करियर की. अगर आप कल्चरली रेलेवेंट काम कर रहे हो तो आप कंट्रोवर्सीज में फंसोगे एंड यू शुड एम्ब्रेस दैट रियलिटी. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ये भी जानना चाहिए कि नॉट एवरीवन विल लाइक योर वर्क नो मैटर हाउ मच वर्क यू डू नो मैटर
हाउ मच यू करेक्ट योरसेल्फ, हमेशा ऑडियंस की एक ऐसी सेक्शन रहेगी विच विल वांट टू सी यू फॉल, विच विल वांट टू सी यू फेल, एंड दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन. आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मिस्टेक्स, आई सी रॉन्ग इन नॉट करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स. खुद के इमोशनल स्टेट को हैंडल करना वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है. जहां से हम निकल के आए इंजीनियरिंग कॉलेज से, वहां उस बिल्डिंग में मेरे सारे इमोशंस मर चुके थे. सो इंजीनियरिंग कर लो अगर तुम्हें जिंदगी में सक्सेसफुल होना है. हाँ, हाँ, आप बहुत टफ बन जाते हो इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद. आई फील कि मेरे अंदर इमोशनल साइड शायद है ही नहीं, या मैं बहुत कंपार्टमेंटलाइज कर देता हूँ. मेरे इमोशंस मेरी मम्मी के लिए, मेरी टू बी वाइफ के लिए, मेरी बहन के लिए और मेरे क्रिएटिव वर्क के लिए, ना कि मेरे क्रिटिसिज्म के लिए, उस ऑडियंस के लिए जो मुझे क्रिटिसाइज करती है. आई डोंट वांट टू गिव माय इमोशनल साइड टू देम. इमोशनल तो देखो आप ऑलरेडी हो, आपने बता दिया. इमोशंस आपकी बातों से भी झलकते हैं, सो आई वुड नॉट बिलीव दिस थिंग दैट यू आर नॉट इमोशनल. डेफिनेटली आप अच्छे ढंग से कंपार्टमेंटलाइज कर चुके हो इमोशंस को. हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू अंडरस्टैंड दिस आर्ट? बिकॉज ये लाइफ के, भले आप कंटेंट क्रिएटर हो या ना हो, हर हिस्से में काम आने वाली चीज है. अगर आप ये जानते हो अपनी इमोशनल साइड किस जगह पर दिखानी है और किसके लिए रिजर्व रखनी है. यूट्यूब के अलावा मेरी एक स्टार्टअप है मंक एंटरटेनमेंट. मंकी को जब हमने स्टार्ट किया था तब मुझे पता चला कि ऑफिस के अंदर एज द को-फाउंडर आप खुद के इमोशंस नहीं दिखा सकते. आपको बहुत फंक्शनली काम करना है, क्योंकि एज द लीडर आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हो अपने पूरे स्टाफ के लिए, अपने पूरे टीम के लिए. जस्ट कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक उस प्रोसेस के दौरान, स्टार्टअप लाइफ के दौरान, मैंने कंपार्टमेंटलाइजेशन सीख ली और बहुत कुछ हुआ. तब भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ. मैं किसी को डेट कर रहा था जहाँ उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी ने कहा कि शी वॉन्ट अलाउ द डॉटर टू डेट अ यूट्यूबर. तो मैंने सोचा कि ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम. यूट्यूब के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ जो यूट्यूब से थोड़ा रिलेटेड हो, एंड दैट वाज वन ऑफ द कोर इंटेंशन इन स्टार्टिंग मंकी. और उस दौरान मेरा ब्रेकअप भी हो गया स्टार्टअप के अर्ली फेज में. सो आई स्टार्टेड द कंपनी टू इम्प्रेस माय टू बी सासू मां. और फिर ब्रेकअप भी हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक चीज थी उस फेज में. बट एट द एंड ऑफ इट आई थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट, क्योंकि जहां मेरी लाइफ अब जा रही है और जहां मैं मेरी लाइफ लेके जाना चाहता हूँ, आई फील कि वहां भी कंपार्टमेंटलाइजेशन की जरूरत होगी. तो जो भी ट्रॉमा देख लिया, इट वाज ऑल मेंट टू हैपन. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. ऐसे मोमेंट पे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है इंसान? आई डोंट हैव एन आंसर. आई थिंक मैंने दो गलती करी उस फेज में. पहली गलती ये थी कि थेरेपी के लिए नहीं गया, जाना चाहिए था. दूसरी गलती ये थी कि बहुत काम किया पर गुस्से के साथ काम किया था. आई फील कि जब गुस्सा इंटरनलाइज हो जाता है, इट एक्चुअली मेक्स इट्स वे टू योर वर्क. तो आई रिमेम्बर अर्ली TRS एपिसोड्स में कुछ ऐसे एपिसोड्स है जहां मैंने झगड़े किए लोगों के साथ. यू नो, मेरी एक बहुत स्वीट सी इमेज है अब कि यार इतना स्वीट सा पॉडकास्ट होस्ट है. एक जमाने में बहुत गुस्सा होता था मेरे अंदर, एंड ऑनेस्टली पॉडकास्ट के थ्रू ही मुझे हीलिंग मिली. पॉडकास्ट के थ्रू मुझे गौर गोपाल दास प्रभु मिले, BK शिवानी मिली. इन अ वे इट वाज ऑल मेंट टू हैपन. हाउ इट वाज मेंट टू हैपन, इफ आई कुड गो बैक, मैं ये दोनों चीजें बदलता. थेरेपी के लिए जाता और गुस्से के बिना एटलीस्ट कोशिश करता कि गुस्से के बिना काम करूं. यू टॉक्ड अबाउट नाउ यू हैव दिस इमेज, एक बहुत ही स्वीट प्यारा सा इंसान जो सवाल पूछ रहा है और जानना चाहता है, इज दिस व्हाट रणवीर इज, या ये बहुत केयरफुली क्राफ्टेड इमेज है? आई थिंक आई वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑनेस्टली. लाइक आप बोल पाओगे शायद व्हाटएवर यू गॉट. देखो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है, मुझे तो जैसे दो भाई बैठ के बात कर रहे हैं. हमारा तो दोनों का बर्थडे भी सेम डे है. बट क्या इसके लिए कॉन्शियसली काम किया आपने कि ऐसी इमेज बनानी है, लोगों को ये परसेप्शन मिलना चाहिए मेरे से, मेरे बारे में बातें सुन के? आई थिंक जब आप इतना ज्यादा कंटेंट रिलीज कर रहे हो, आपकी असलियत बाहर निकल के आती है. तो लोगों को मेरी हरामी साइड भी पता है थोड़ी सी. और मैं हूँ थोड़ा सा हरामी, आई नो. पर लाइक मेरा दिल साफ है, तो मैं क्लीन हार्टेड हरामी हूँ. एंड दैट्स ट्रू. पता है बहुत ज्यादा शरीफ इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाते, है ना, स्पेशली डिजिटल दुनिया में.
इवन मैं देखो 9 to 5 जॉब्स की भी अगर बात करूँ ना, अगर आप बहुत शरीफ हो, बहुत शिद्दत से मेहनत लगा के काम कर रहे हो, एटलीस्ट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, सिर्फ उससे आप ग्रो नहीं कर, आपको थोड़ा सा हरामी तो होना पड़ता है. हाँ हाँ, वेरी क्रूशियल. आई थिंक पहुंच गए. ऑल दैट इज कैफे मद्रास. मेरी लाइफ में ऐसा फेज था जहाँ मैं हर दिन यहाँ आता था, खुशी में गम में दोनों में. कैफे मद्रास का साथ रहा है. सो दिस प्लेस मीन्स टू मच टू मी. एक बटर सादा डोसा, एक टुप्पा डोसा और एक पेसरेटे. अब यहाँ पे कितने वक्त बाद आ रहे हैं? मैं लास्ट वीक यहाँ था. मैं आते रहता हूँ. जनवीर, डोंट यू फील कि एक ना बहुत ज़्यादा मिथ प्रोपगेट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, दैट अगर आप सक्सेसफुल हो, एक तो आपको दोस्तों से दूर रहना है क्योंकि आपको अकेले लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ना है, दूसरा ये अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपको लाइफ में और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं निकालना. बिकॉज टॉकिंग टू यू, यू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू हैव योर सेट ऑफ फ्रेंड्स, यू कम टू दिस प्लेस ऑफन विच गिव्स यू हैप्पीनेस. सो सक्सेसफुल लोग टाइम निकाल रहे हैं अपने लिए भी और अपनों के लिए भी. आई डोंट नो इफ आई एम द राइट गाइड टू आंसर दैट. मेरा मानना यह है कि हर किसी के मीडिया करियर में 5 सालों का एक ऐसा फेज होना चाहिए जहाँ आपको थोड़ा सा डिसअपियर होना चाहिए. ये मेरी लाइफ में भी हुआ है फ्रॉम 22 to 27, 28 एंड एट एज 28 कोविड हो गया दुनिया में, तो दैट्स व्हाट मेड मी रीकैलिब्रेट. पर मेरी लाइफ में भी ऐसा एक फेज था जहाँ एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आई वेंट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड आई फील कि एट एज 30 नाउ कम बैक इनटू द वर्ल्ड. सो आई डोंट नो अगर कम्प्लीटली मिथ है. फिर मीडिया करियर्स में ज़रूरत होती है एक लोनर फेज की, बट एट सम पॉइंट यू नीड टू नो व्हेन टू कम बैक. तो नाउ दैट यू हैव टर्न्ड 30, 30 ये जो वर्ड है ना, ये जो एज है, उससे बहुत सारे लोग बहुत घबराते हैं. व्हाट हैज चेंज्ड? क्या लाइफ में वो बड़ा सा चेंज आया? आई थिंक मैं शांत हो चुका हूँ. बहुत आप सेटिस्फाइड हो जाते हो लाइफ के साथ. डेफिनेटली एम्बिशन अभी भी है, बट काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाइड हो चुका हूँ. बस अभी शादी करनी है. तो ये एज 30 की खासियत होती है. यू स्टार्ट एन्जॉइंग द लिटिल थिंग्स इन लाइफ मोर. जैसे मतलब यहाँ बैठ कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है. सो यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द लिटिल मोमेंट्स अ लॉट मोर. एटलीस्ट आई हैव बीन फीलिंग दैट. ये यहाँ की स्पेशलिटी है, मौलगापुड़ी की चटनी है. और यहाँ इसी लोकेलिटी में 4-5 बहुत ज़्यादा आइकॉनिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं. पास में कैफे मैसूर है, आर्य भवन है. हर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की एक स्पेशलिटी डिश होती है. ये यहाँ की स्पेशलिटी डिश है. आई डोंट नो यू कैन सी दिस थ्रू द कैमरा और नॉट, बट एक्चुअली पानी आ गया. ही डज नॉट वॉन्ट टू टॉक, ही जस्ट वॉन्ट्स टू ईट नाउ. आई विल लेट यू. नहीं भाई, यू गो अहेड, गो अहेड. अतिथि देवो भव. अरे आप यहाँ के अतिथि. अरे थैंक्स थैंक्स. तब से अब तक फूड प्रेफरेंसेस में कुछ चेंज हुआ है? तब मैं नॉनवेज खाता था, अब वेज हूँ. बट फिर भी तब ये कांस्टेंट था एक मेरी लाइफ में. जनरली मैं ज़्यादा हेल्दी हो चुका हूँ, कम खाता हूँ ऐसा खाना आजकल. क्योंकि बहुत ज़्यादा बटर होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं. बट ये कम्फर्ट फूड है, लाइक इट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस. बट अतिथि के लिए आप आज ये खा रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट. ये मैं खुद के लिए खा रहा हूँ. काम का खुद को क्रेडिट दे दिया था मैंने. आई डोंट नो वेदर यू हैव चेक्ड इट और नॉट. वन ऑफ द मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस अबाउट यू इज हाउ रिच इज रणवीर अलाहाबादिया. सो प्लीज एक बार सबको जवाब दे दो. I'm definitely not as rich as many of the memes say. Like there are memes where I see 60 crore network, 70 crore network. ऐसा कुछ नहीं है. But I'm on my way there for sure. I feel कि मेरा करियर एक मिड पॉइंट तक पहुँचा है. YouTube के 8 सालों के बाद अब एक अच्छा फेज स्टार्ट हुआ है. पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है. But in my eyes it's probably not enough क्योंकि मेरा फोकस मेरे बिजनेस करियर पर भी है. और लालच भी तो आ जाता है ना. डेफिनेटली. मैं खुद ऑनेस्टली इतना फैंसी नहीं हूँ. लाइक मेरे वॉन्ट्स विशेस इतने ज़्यादा नहीं है. बट एक बार अगर आपने पैसे बना लिया लाइफ में, फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ मैं पैसे बना सकता हूँ. तो यू वॉन्ट मोर एंड मोर. एंड अभी गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं. सोशल वर्क रिलेटेड बहुत कुछ करना है, फॉर विच आई नीड मनी. सो
I am chasing money and I want to get to a 1,000 crore mark. I want to get to a 10,000 crore mark, hopefully. But that's what I'm saying now. So I'm working towards that. And growing up, would you consider ki hum rich the? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत रिच था ग्रोइंग अप बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ गुड स्कूल. मैं DAIS में गया था, अंबानी स्कूल में गया था. थैंक यू. दिस इज ऑल्सो अ न्यू थिंग, वील कम बैक टू दिस. पहले ये वाली बात, बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा रिच था. ये सच नहीं है. मेरे पेरेंट्स सर्विस क्लास से, डॉक्टर्स हैं. दे आर नॉट लाइक द बिगेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया और एनीथिंग. दे आर सक्सेसफुल डॉक्टर्स बट दे आर सर्विस क्लास पीपल. My family has seen very tough times also, which is not spoken about online. My parents have gone through some of the worst times when I was 16, 17 years old. So I've seen a good childhood in some parts and I've seen a very, very, very difficult life also in some parts. But aisi baat hai, internet par aapko nahi milengi. Kisi ne mujhse ye poocha nahi hai abhi, so thank you. I don't like talking about these things also because all I'll say is logo ke bahut saari galat fahmiyan. There was a reason I worked as a trainer, I made my own money. If my father and my mother were just giving me the money, I wouldn't have had to go through a difficult phase at the start. हाँ, because I feel for some reason, at least internet को ऐसा लगता है कि रणवीर की mattress में हमेशा से नोटों की गड्डियाँ रही हैं. वो मेरे चेहरे की वजह से. मैं बस अमीर दिखता हूँ, पर मैं था नहीं अमीर. Maybe the reason is शायद लोगों को क्योंकि ये नहीं पता कि क्या कभी रणवीर ने भी लाइफ में पैसों की तंगी देखी है. क्या कभी ऐसा हुआ है कि यू वॉन्टेड टू बाय समथिंग बट यू कुडंट? ये बहुत ज्यादा हुआ मेरी लाइफ में. अगेन, इसकी बातें मैं नहीं करता ऑनलाइन क्योंकि लोगों ने एक इम्प्रेशन बना के रखी है कि आई एम फ्रॉम सम रिच बैकग्राउंड. अगर मैं इतने ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से होता तो शायद इतनी एम्बिशन भी नहीं होती. अ लॉट ऑफ माई एम्बिशन कम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड थिंग्स व्हेन आई वाज यंगर. कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने खरीदी जिसे खरीद के द किड इन यू फेल्ट सैटिस्फाइड कि आई वाज क्रेविंग फॉर दिस थिंग, फाइनली आई कैन अफोर्ड दिस? एक जमाना होता था जहाँ मैं हमेशा सोचता था कि नहीं, इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ एटसेट्रा. वंस यू ओवरकम दैट, दैट्स अ बिग विन फॉर मी. मैं इतना ज़्यादा मटेरियली ड्रिवन नहीं हूँ. गाड़ियों का इतना क्रेज नहीं है मेरे में. मे बी आई से माई हाउस, हैविंग योर ओन स्पेस बिफोर एज 30 एंड ऑल, दैट्स अ बिग अचीवमेंट इन माई ओन आइज. बट या, देयर इज नो वन परचेज लाइक दैट. कितने बड़े फूडी हो? जब मैं नॉन वेज खाता था और भी बड़ा फूडी होता था. ओके, आर यू नॉन वेजिटेरियन? यू आर राइट. पता है बहुत सारे वेज लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, वेज फूड में भी दम है, टेस्ट है. इट्स नॉट ट्रू. आई हैव बीन ऑन बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. मैंने नॉन वेज मेरे योगा स्पिरिचुअल जर्नी के लिए छोड़ा, बट देयर आर डेज आई मिस इट. एंड 5 साल हो चुके मैंने नॉन वेज खाया नहीं है. आई डोंट फील अ क्रेविंग बट डेफिनेटली टेस्ट में डिफरेंस फील होता है. ये सच है. लोग हेट करेंगे इस कमेंट को एटसेट्रा एटसेट्रा. लोग ये बोलेंगे कि अरे सोया चाप खा लो, वो भी तो चिकन. हाँ, नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो नॉनवेज छोड़ने के बाद वो फूडी नेचर भी थोड़ा सा छूट जाता है. बट आई एम अ फूडी, आई स्टिल लुक फॉर गुड वेजिटेरियन फूड. जितने भी लोगों से और आपने बात की है, उनमें से कौन इंसान ऐसा था जिसकी बात आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की? इफ यू हैड टू टेल समथिंग टू दैट कॉलेज किड, उसे क्या बताते? अगर सक्सेस आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस है तो नारायण मूर्ति की बात मत सुनो. डू यू एवर फील इनसिक्योर अबाउट थिंग्स? इट्स वेरी इजी टू फील इनसिक्योर इन द बिगेस्ट सर्कल्स ऑफ इंडिया. आई डोंट थिंक मैंने तब क्रिटिसिज्म के बारे में कुछ सीखा भी. सक्सेसफुल होने के बाद आपका एक नॉर्मल दिन कैसा होता है? मुझे डेफिनेटली एक फैमिली लाइफ चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे 14 बच्चे चाहिए एक्चुअली.